राम मंदिर। हम सबको ही जानते हैं कि अगले 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा उद्घाटन होने वाला है और इस मंदिर के ओपनिंग के लिए बहुत से साधु समाज को और चार पीठों के शंकराचार्य जी को भी इन्विटेशन किया गया है, मगर इन चार पीठों के शंकराचार्य जी ने यह कह के इस लेटर को, इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने बोले कि इस मंदिर में राम जी का जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है वो सही प्रोसेस फॉलो नहीं करके किया जा रहा है, क्योंकि मंदिर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। बिना मंदिर के कंप्लीट हुए कोई भी देवी या देवता का प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकता। इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि बहुत बड़ा आयोजन हुआ, इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि पौष मास में बिना मुहूर्त के हुआ, इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि अधूरे मंदिर में जिसमें प्रतिष्ठा नहीं की जानी चाहिए उसमें प्रतिष्ठा हुई, इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि देश के चारों शंकराचार्य उसमें नहीं पधारे, इतिहास में ये भी दर्ज होगा कि सनातन धर्म की वहां पर घोर उपेक्षा की गई। प्राण प्रतिष्ठा के लिए उस देवी या देवता के साथ एक कलश का प्रतिष्ठा किया जाता है और उसके साथ मंदिर का जो शिखर है वो भी कंप्लीट होना चाहिए। तो अभी अगर टेम्पोररी शिखर लगाएगा तो बाद में प्राण प्रतिष्ठा के बाद, बाद में जब फिर से मंदिर का कामकाज चालू होगा तो उसी आवाज़ में जिन जिन देवी देवता का प्राण प्रतिष्ठा ऑलरेडी हो चुका है उन्हें वो सही नहीं होता, इसीलिए ये प्राण प्रतिष्ठा सही नहीं है। कोई भी देवी या देवता का एक बार प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद सेम जगह पे आप उसी दिन काम शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे मंत्र, बहुत सारे बीज मंत्र, हवन किया जाता है। तो उसके बाद उस जगह पे आवास करना या फिर लेबर उस जगह से आएंगे जाएंगे, हर चीज़ों के ऊपर पैर पड़ेगा, तो ये मानव समाज के लिए सही नहीं होता, इससे अच्छे से ज़्यादा बुरा होने का चांसेस ज़्यादा है। तो इसीलिए शंकराचार्य जी और बहुत सारे साधु समाज इस बात से बहुत नाराज है। राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन इस मंदिर उद्घाटन को बिल्कुल राजनीतिकरण कर दिया गया है, वो गलत है। सभी शंकराचार्य जी नाराज हैं और बहुत सारे साधु संतों को इन्होंने इनवाइट तो किया है, लेकिन सिर्फ ताली बजाने के लिए किया है। शंकराचार्य जो हिंदू सनातनी का सर्वोच्चम पद है, कोई भी मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, MLA, MP सबका इलेक्शन में जीतने के बाद एक स्पैन होता है, फिर से अगर वो इलेक्शन में ना जीते तो उसका गदी, उनका जो पोजीशन है वो नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। मगर एक बार शंकराचार्य पद पाने के बाद ये आजीवन कल तक उनके साथ रहते हैं, जब तक भी वो रहेंगे, जब तक उनका शरीर उनके साथ रहेंगे तब तक ये पद उनसे कोई नहीं छीन सकता। और कोई भी पूजा पाठ हो या फिर कोई भी धर्म से लेके धर्म रिलेटेड कोई बात हो, ये सारे जो डिसीजन होते हैं ये इन्हीं के थ्रू आते हैं। तो शंकराचार्य जी मतलब सबसे ऊंचा पद जिसके ऊपर कोई नहीं है। फॉर्चुनेटली मैं भी इसी घराने से बिलोंग करता हूँ, मैं भी इसी लीनियस से हूँ। प्राचीन धर्म ग्रंथ के अनुसार राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ है और 16th century में मुगल सम्राट के द्वारा वहाँ पे एक बाबरी मस्जिद बनाया गया था और बाद में 1992 साल में उसी बाबरी मस्जिद को BJP सरकार द्वारा तोड़ा गया और फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने राय दिया कि यहाँ पे राम मंदिर ही बनेगा। ये पूरा जो बैटल है ये 134 साल तक चला। 2020 में BJP सरकार इसको हैंडओवर किया, इस संसद में ये उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये BJP सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा इस मंदिर को बनाया जाएगा और इसके लिए एक अलग से ट्रस्ट भी बनाया जाएगा जो कि भारत सरकार द्वारा ही चालना किया जाएगा। तो इसीलिए बहुत सारे साधु समाज जो है और हमारे जो पूज्य शंकराचार्य जी ये भी नाराज है। जो मंदिर होता है वो भगवान का शरीर होता है और उसका जो शिखर होता है वो उनकी आँख
और कलश उनका सिर होता है, जो झंडा होता है वो उनका बाल होता है। तो ऐसे में बिना सिर का, बिना आंख का मंदिर, अगर उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी तो ये शास्त्र की दृष्टि से उचित नहीं है, और इसीलिए हम वहाँ नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि जाएंगे तो लोग कहेंगे कि आपके सामने अशास्त्रीय कार्य कैसे हुए। मैंने कहा ना, शंकराचार्य के पद की प्रतिष्ठा है, मर्यादा है, यहाँ अहंकार की बात नहीं है। हमारे लाडले प्यारे प्रधानमंत्री जी मूर्ति का स्पर्श करके उन्हें प्रतिष्ठित करेंगे, गर्भगृह में वो लोग रहेंगे और बाहर ताली बजाते हुए हम शंकराचार्य रहेंगे, यह क्या शास्त्रीय मर्यादा है? सुनिए, सेकुलर शासन तंत्र का अर्थ यह नहीं है कि परंपरा प्राप्त जो शास्त्रीय मर्यादा है उसका उच्छेद कर दें, भगवान राम भद्र को भी सेकुलर बना दें। राम जी को ही सौंपता हूँ कि उनके नाम पर जो विसंगति है उसका निवारण करें और असंगति उत्पन्न करने वालों पर विशेष अनुग्रह। ना ही शंकराचार्य जी को प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए बुलाया गया है, ना ही ऐसा कुछ बंदोबस्त है। तो यही बात को लेके भारत के हर संत समाज बहुत नाराज है। तो इसी बारे में आप लोगों का क्या राय है, आप लोग ज़रूर अपना राय यहाँ पे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। थैंक यू।